हेलो दोस्तों, मैं पन्ना राजन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लेके नहीं आई, आज मैं कुछ न्यू लॉन्च के बारे में बताने नहीं आई। आज एक बहुत ही यूज़फुल तरीका आप लोगों को बताने आई हूँ जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। आईब्रो आपको बता दिया, जो डिवाइस जो टूल मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन फेशियल हेयर कई बार बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। वैक्सिंग हम करा नहीं सकते, कुछ लोग होते हैं जिनको पेन बहुत होता है, हमें भी होता है। और वैक्सिंग कराने के बाद जो चेहरे की जो साइड लॉक्स में आपके बाल निकलते हैं, उसके बाद वहाँ पे जो निशान पड़ते हैं, जो वहाँ पे इचिंग होती है, जो वहाँ पे दाने पड़ जाते हैं, जो स्किन पील होती है, भगवान बचाए, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है रेज़र। और आजकल हमारे बाज़ार में, हमारे मार्केट में भरमार है फेशियल रेज़र की। उसको कैसे करते हैं, करना बहुत आसान है, आपको आगे इसमें बताने का क्या, लेकिन कुछ दो चार चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए अगर हम फेशियल हेयर को रेज़र से रिमूव कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं, डेमो दे देते हैं। किसी भी ब्रांड का आप रेज़र ले लीजिए जो कि सॉफ्ट हो, स्मूथ हो, ठीक है। आपका फेस क्लीन होना चाहिए, फेस वॉश करिए। पहली चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ध्यान ही नहीं रखनी, बहुत ध्यान रखनी है, अगर आप चाहते हो आपके स्किन पे एजिंग ना हो, तो उसके लिए सबसे पहले, करने से पहले, शेविंग से पहले, आपको अपने फेस पे कुछ मॉइस्चराइज़र लगाना होगा, जिससे कि चेहरे पे डायरेक्ट आपका ब्लेड ना अप्लाई हो और मतलब ड्राइनेस ना हो आपकी स्किन में। तो आप कोई भी अच्छी सी क्रीम लगा सकते हो, ठीक है। तो एक क्रीम है जो मैं लगा रही हूँ, उससे आपका जो वो है ना रेज़र आसानी से काम करेगा और स्किन में कट नहीं होगा। एनी क्रीम, कोई ऐसा नहीं है कि आपको यही ही लगाना है। लगाया और मैंने ये फोल्डेबल फेस रेज़र बाय बॉम्बे शेविंग कंपनी से लिया है। इसके रेज़र बहुत अच्छे हैं, रीज़नेबल है, 199 रुपये में पैक ऑफ 3 आता है, और अगर आप ऑनलाइन लोगे तो सस्ता भी मिल जाता है। तो ये इसका रेज़र है, और इसको धीरे धीरे आप अपने लिटा के, मतलब सीधे नहीं करना, टिल्ट करके आप इससे अपने रेज़र, वो जो एक्स्ट्रा हेयर हैं जो इस साइड में, वो क्लीन कर सकते हो। और क्योंकि आपके फेस वेट है तो कोई कट नहीं होगा और आसानी से चलेगा ये, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपको बचा लेता है कई चीज़ों से, मतलब कई चीज़ों मतलब वैक्सीन से। आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लो, लेकिन अगर चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा है तो मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं दिखता। और हमेशा रेज़र हमें बालों के उगने के डायरेक्शन में चलाना है, अपोजिट नहीं चलाना। अगर हम अपोजिट चलाएंगे ना, तो फिर जब दोबारा बाल निकलेंगे तो बहुत कड़े निकलते हैं, ये ध्यान रखना है। बहुत आसानी से आप साफ कर सकते हो। इसमें कोई पेन नहीं होता। और कुछ भ्रम है जो दूर कर दें, कि कहते हैं कि रेज़र से बाल साफ करने से और निकल आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हम जड़ों को थोड़ी खींच रहे हैं, एक्स्ट्रा क्यों निकल आएंगे और क्यों निकल आएंगे। हाँ, थिक निकल सकते हैं अगर आपने बालों के अपोजिट डायरेक्शन में रेज़र चलाया, तो वो निकलते समय थोड़े थिक हो सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका है ये, कोई पेन नहीं होता और आप अपने आप आसानी से कर सकते हो, आपको किसी पार्लर वालों जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखना। और भाई देखो, सुंदर दिखने का अधिकार हर स्त्री को होना चाहिए, है ना, क्यों ना हो। हमारे संसार में, हमारे समाज में सुंदरता तो सिर्फ लड़कियों से है। आप ऐसी जगह देखो जहाँ पे सिर्फ मेल हो,
बहुत बेकार सूखा सूखा लगता है। दुनिया में रंग ही स्त्रियों से है। देखा आपने कितनी इजीली साफ हो रहा, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। तो अगर आपको ये टिप यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। बाय बाय।